नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं ग्राम। गंगा में जिस तरह से लाशें दिखाई देती है, उसके बाद अब हाई कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया, बड़ा सख्त कदम उठाने के लिए किया, लेकिन लाशों की बेकदरी रुक नहीं रही। अब रेत के जो रेत का मैदान था गंगा के किनारे, नदियों के किनारे, वहां पर अब लाशों को दफनाने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि शमशान घाट में लकड़ियां नहीं बची। और ये खबर उत्तर प्रदेश से ही आ रही है। बड़ी सोचने वाली बात है कि जितनी ज्यादा लाशों की बेकदरी उत्तर प्रदेश में हो रही है, शायद ही कहीं और हो रही है। एक बड़ी खबर आ रही है, खबर है उन्नाव से, जहां पर दाह संस्कार के लिए अगर लकड़ी नहीं मिली तो शवों को रेतीला जो मैदान पड़ा था नदियों के किनारे, वहां दफन कर दिया गया है। काफी सारी लाशें वहां दिखाई दी जो रेत में दफन की गई थी। चलिए मैं पूरी खबर बताता हूँ, लेकिन उस पर जाने से पहले मेरी आपसे छोटी सी अपील है कि अगर हिंदवॉइस का अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ जो आ रही है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। देखिए, पहले गाजीपुर में आरोप लग रहे थे, गाजीपुर से लाशें बहाई गई हैं बिहार की तरफ, जो बक्सर पहुंची और वहां के डीएम ने उन्हें निकलवा कर उनके डीएनए की जांच भी दे दी है और उनको वहीं गड्ढा खुदवा कर दफना दिया गया था। अब जो खबर ये आ रही है, ये भी गंगा के किनारे ही उन्नाव से आ रही है। देखिए, पहले उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां कहा जा रहा था कि वहां से लाशें बहाई गई हैं बक्सर की तरफ, बिहार की तरफ, वहां के डीएम ने किस तरह उन्हें निकाला, गड्ढा खुदवा के उसमें दफना दिया और फिर उन्होंने जांच के आदेश दे दिए कि इनकी डीएनए जांच कराइए, ये पता चले कि ये लाशें है कहाँ की और कहाँ से बहाई गई हैं। अब जो खबर आ रही है वो उन्नाव से है, और उन्नाव में यहाँ भी गंगा के किनारे ही लोगों ने शव को रेत में दफना दिया। शुक्ला कुंज हाजीपुर के रोहतापुर गंगा घाट पर रेत का जो कब्रिस्तान है, वहां पर रेत ही रेत है, वहां पर बहुत सारी कब्रगाह दिखाई दी, जिन्हें देखकर हर कोई चौंक गया कि ये सब यहाँ किया किसने। कहा जा रहा कि शमशान घाट पर लकड़ियों के कम पड़ने और महंगी मिलने के कारण लोगों ने हिंदू रीति रिवाजों को भी एक तरह से छोड़ दिया है और वो सारी चीजें भूल गए जो अंतिम संस्कार में प्रक्रिया होती हैं, खासकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वो सब भूल गए और अपने शवों को ले जाकर उस रेत का जो कब्रिस्तान है वहां जाकर दफना दिया। यहाँ पर तकरीबन 16 शव आए थे, जिसमें से 13 को यहाँ दफना दिया और बाकी का अंतिम संस्कार किया गया है। ये पूरा क्षेत्र जो आता है हाजीपुर चौक के क्षेत्र के अंदर आता है, जहां पर रोहतापुर ये घाट है, यहाँ पर 400 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। इनमें से ज्यादातर अभी तक दफनाए गए हैं। रोज एक दर्जन से अधिक अंतिम संस्कार हो रहे हैं यहाँ पर भी, जिनकी गिनती 20 दिन पहले महज 2 से 3 थी। रोहतापुर घाट पर पिपरी, लंगड़ापुरवा, मिर्जापुर, भटपुरवा, रोजापुर, कनिकमाऊ समेत 2 दर्जन गाँव के लोग यहाँ अंतिम संस्कार करने आते हैं। ये आसपास गाँव लगते हैं जो यहाँ पर अंतिम संस्कार करने का काम कर रहे हैं। ज्यादातर ग्रामीणों का ये कहना है कि लकड़ियां ना होने की वजह से यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा भयानक है, जिसके चलते ये जो शव है वो कब्र बनाकर, इन रेतीले कब्र बनाकर इसमें दफना दिया जा रहा है। कल भी अगर मैं बात करूं, तकरीबन 16 शव यहाँ पर पहुंचे, जिसमें से 13 को जो है वो इसी मिट्टी में दफना दिया और बाकी के 3 के साथ उन्होंने जो किया वो अंतिम संस्कार शायद किया होगा। लेकिन ज्यादातर ग्रामीणों का ये कहना है कि इस वक्त शमशान घाट में लकड़ियां बहुत महंगी है, लकड़ियां मिल नहीं पा रही है, और अगर मिल रही है तो बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही है अंतिम संस्कार के खर्चे में, इसलिए लोग ये सारी चीजें बचाने के लिए यहाँ पर ये चीजें कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ कोरोना ने पूरे देश में तांडव मचा रखा है, कुछ जगह थोड़ा सा रेट कम हुआ है इस बीमारी का, लेकिन लगातार बहुत केसेस अभी भी लाखों की तादाद में प्रतिदिन आ रहे हैं और कई सौ मौत, लगातार हजारों की तादाद में मौत हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में इतना बुरा हाल है कि सिस्टम ने एक तरह से आंखें बंद कर रखी है, और अगर सिस्टम से कोई सवाल पूछता है तो फिर आप लोगों को पता उसका अंजाम क्या होता है। सरकार कह रही है सब चंगा सी, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें रोजाना सामने आ रही हैं वो वाकई भयावह हैं। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई तस्वीरें हो या इस तरह की कोई विजुअल आ रहे हो और लाशों की बेकदरी कर रहे हो, आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। तब तक आप हिंदवॉइस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।